शेक है ये, और नीरज जी अपनी शेक पी रहे हैं और हम अपनी शेक पी रहे हैं। सो जल्दी से अब शेक खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ब्लॉग। सो गाइस, जो आज की वीडियो ना काफी मजेदार होने वाली है। आज की वीडियो हम करने वाले हैं लिविंग ऑन 100 रुपीज फॉर अ डे चैलेंज। ये चैलेंज यूट्यूब पर बहुत लोगों ने कर रखा है। ये है 100 रुपए का नोट जिसपे आज हम जिंदा रहने वाले हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि हमने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया है, बस हमने खाली नाक धो के अच्छे से रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं और टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 11:38 हो रहे हैं और हम करने वाले हैं चैलेंज। और अब तक हमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो बस ऐसा सिंपल सा चैलेंज है। बिल्कुल हमारे मेरे पास 100 है, इसके पास 100 है। एक बार जो चीज मैंने खरीद ली वो ये नहीं खरीदेगा, और जो इसने खरीद ली वो मैं नहीं खरीदूंगा दोबारा। और हमें इसी से अपना दिन गुजारना, पूरा खाना पीना रहना, मतलब रहेंगे तो घर में ही रहने के लिए। ये चैलेंज मस्त है, तो चलो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और अपना दिन एकदम मस्ती से गुजारते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं शॉप पे। मेरे पास 100 रुपीज है, विनय के पास 100 रुपीज है। अब हम जा रहे हैं, मतलब जाएंगे कहाँ पर, इतनी धूप में कोई दुकान तो हमें खुली मिलेगी नहीं, इसीलिए हम जा रहे हैं डायरेक्ट किसी नॉर्मल शॉप पे। मैं अपने मजे की चीज लेके आऊंगा और जो चीज मैंने ले ली वो विनय नहीं ले सकता। तो देखते हैं कौन क्या क्या लेता है और कौन ज्यादा रुपये बचाता है। जल्दी चलते हैं दुकान पे। गाइस, विनय ने देखो अपने लिए मैगी और कोल्ड ड्रिंक। मजेदार, इंडिया में बस इसी का चलता है और कुछ नहीं है भाई। अब मैंने ये ले लिए तो पता नहीं अब तक क्या लेगा। अब रोता रहा भाई, मैंने अपनी फेवरेट चीज ले ली। सो गाइस, मैं कुछ इतना सारा सामान लेके आया हूँ दुकान पे जाकर। ये देखो, एक टाइगर बिस्किट और एक फ्रूटी। ये अराउंड मेरे को पड़ा है ये कुछ 10 रुपीज की फ्रूटी, 5 रुपये वाला बिस्किट और 12 रुपीज की ये यूपी, और मेरा टोटल कॉस्ट पड़ा 27 रुपीज। और देखो जो विनय का सामान है ना वो था कुछ, ये है एक मैगी और मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। देखो हमने कुछ भी मैच नहीं करा, मेरे पास यूपी है और इसके पास मैगी है, और मेरे पास ये है और मेरे पास फ्रूटी है 10 वाली, इसके पास ये 20 वाली कोक है। हमने कुछ भी मतलब सेम नहीं लिया है और हमें पूरे दिन सेम लेना है। टोटल 34 हो गया और ये मेरे से कम पर रह गया। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इतनी महंगी चीज ली, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में जो जीतेगा ना उससे है ना, जो हार जाएगा मतलब उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट क्या है वो आप समझ लेना बाद में, वो पनिशमेंट आपको लास्ट में देखने को मिलेगी, देखना। और हम जल्दी जल्दी अपना एक चीज खत्म करते हैं और मैगी बनाएंगे। दोपहर में टाइम हो रहा है, 12:30 बज चुके हैं और हम मैगी बनाएंगे 2:00 के अराउंड बनाएंगे। जब तक अपना काम वाम करते हैं स्कूल का, जितना सारा कलर काम है वो सारा अभी होमवर्क करेंगे और जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। सो गाइज, मैंने बिस्किट और अपनी फ्रूटी पी ली है। सो मैगी बनाएंगे हम थोड़ी देर बाद, जब तक हम अपने स्कूल का काम करते हैं। तो गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी कोल्ड ड्रिंक पी ली और मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसने अपनी फ्रूटी। तो अब जो हमने अपना 100 में से ये चीज ली थी, मेरे पास मैगी है लंच के लिए और आयत के पास है यूपी, तो हम अब इसे बना के खाने वाले हैं। तो चलो पहले बना लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है जोर से अब, तो जल्दी जल्दी बनाते और खा लेते। लाइट तो ऑन करो भाई। चलो मैं अपनी पहले मैगी रेडी कर लेता हूँ, फिर अपनी यूपी बना लेंगे। गाइस, विनय तो अपनी मैगी खाने लग गया है और मेरी मैगी, मेरी यिप्पी अभी बनी भी नहीं है। मेरी यिप्पी बन रही है और वो खा रहा है। मेरे को जो है मैगी ज़्यादा पसंद है यिप्पी से, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसने पहले दुकान पे जाके मेरे से मैगी ले ली इसने और फिर मेरे को ये मैगी यिप्पी लेनी पड़ी। अगर मैं मैगी लेता तो मैं चैलेंज से आउट हो जाता। और उसने मैगी के नूडल्स अलग कर लिया और सूप अलग कर लिया। पता नहीं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, पता नहीं दुनिया के। सो गाइस, जल्दी से मैं अपनी यिप्पी रेडी करता हूँ, फिर मिलते हैं।
तो गाइज मेरी मैगी ये बन चुकी है और विनय मैगी अपने, अरे मैं यार बार बार तुमसे ना हो पाएगा, तो क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मैगी नहीं है यिप्पी है, ये यिप्पी है और विनय जो खा रहा है ये मैगी है। और सामने चल रहे हैं सौरव जोशी व्लॉग्स, उसको देख देख के व्लॉग देख देख के खा रहा है। और चलो मैं भी ब्लॉग देखता हूँ पहले, उसके बाद पहले और जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। तो गाइस अब हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो गाइस इस टाइम टाइम हो रहा है 6:30 अराउंड हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपना कुछ खाना पीना देखने डिनर के लिए। और हाँ आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले मम्मी ने हमें एक टास्क दे दिया था लेकिन उसके मैं वीडियो नहीं बना पाया। बस मैं वीडियो बनाया था लेकिन उस वीडियो में बिल्कुल आवाज़ नहीं आई है। और मैं प्याज लेके आया था, मैं 20 रुपीज़ की ऑनियन लेके आया था, तो उसका हाफ विनय ने पे किया था और हाफ मैंने पे किया था। तो 20 रुपीज़ में 10 विनय ने पे करे, 10 मैंने, यानी हमारे जो इतना हमारे पास मनी था उसमें 10-10 और डिडक्ट हो गए। अब विनय के पास विनय ने यूज़ करे अराउंड 44 रुपीज़ विनय ने यूज़ कर लिए और मैंने 37 रुपीज़ यूज़ कर लिए। विनय मेरे से 7 रुपीज़ आगे चल रहा है यूज़ करने में। और अब जाके कुछ देखते हैं बाहर में क्या मिलता है हमें खाने पीने का कुछ बढ़िया सा। क्या पी रहा है? वो तो 30 की है। तो कोई नहीं, चल ठीक है पी लोगे ना भैया बटर स्कॉच। तो गाइस मैंने यहाँ पे 30-30 की शेक मिलती है बटर स्कॉच की, मैंने 30 रुपीज़ दिए, इसने 30 रुपीज़ दिए, नीरज ने अपने 30 रुपीज़ दिए, मिला कर 90 हो गए। बर्गर खाता। तो गाइस हमारी शेक आ चुकी है, देखो ये शेक रही हमारी 30-30 रुपीज़ की शेक है ये, और नीरज जी अपनी शेक पी रहे हैं और हम अपनी शेक पी रहे हैं। सो जल्दी से अब शेक ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत टेस्टी है भाई। सो गाइस ये ना शेक बहुत अच्छी लग रही है पीने में, इसके ऊपर इन्होंने केसर भी डाल रखा था, बहुत मस्त लग रहा था खाने में ये। हाँ नीरज जाके मैं केसर पड़ रहा है रहा, बहुत मस्त लग रहा था। गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। एक बर्गर सो गाइस देखो मेरा बर्गर आ चुका है और विनय के मोमोज आ चुके हैं, देखो मोमोज खा रहे हैं और मैं बर्गर खा रहा हूँ, नीरज चाउमीन खा रहे हैं, सब तीनों अलग अलग चीज़ खा रहे हैं और देखते हैं खा के बताते हैं बर्गर कैसे हैं। और ये 10 के बर्गर हैं और हमने एक गलती कर दी चैलेंज के अंदर, चैलेंज के अंदर हमने बटर स्कॉच शेक दोनों ने पी, दोनों के दोनों मतलब बटर स्कॉच शेक पीनी तो पहले मेरे को थी लेकिन विनय ने भी साथ में पी ली, तो मतलब ये नहीं पता कौन जीता है कौन आ रहा है। ये मेरे को देख रहा है बटर स्कॉच शेक के तो कई मैंने थी, तू मेरे पीछे पीछे आया था, चल मैं भी पीऊंगा। लेकिन ये मेरे को पीनी थी। देख आओ और गाइस हमारी यहाँ शेक लग रही है। सो गाइस हम चैलेंज करके आ चुके हैं, हमने शेक वगैरह सब पिया एकदम सही तरह, पूरा चैलेंज एकदम सही जा रहा था लेकिन बीच में गलती कर दी हमने। गलती क्या कर दी, जो शेक मैंने मुझे पीनी थी ना वो विनय ने भी पी ली लेकिन हमें उस चीज़ का दोनों को ही ध्यान नहीं था, तो हम उसे एक गलती समझ लेंगे। कर दो विनय के पास अपने 6 रुपीज़ बचे हैं, उसने 94 रुपीज़ खा लिए और मेरे पास मेरे 8 रुपीज़ बचे, मैंने 92 रुपीज़ खाए। और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आपको साइड में दिख रहा है, ये मेरा है और ये वाला विनय का है, तो आप देख लो ये विनय का है इसने कितने खाए हैं और ये मेरा है मैंने कितने खाए हैं। और हमने आज पूरे दिन बहुत मस्ती करी है। अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो ना, चैलेंज भी पसंद आया हो, व्लॉग जो भी है अगर आपको पसंद आया हो ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। So guys, thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching.